इस बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौ मोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। आदाब बीबीएन न्यूज में आपका सवाल है, मैं हूं मोहसिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है भारत, सीए और एनआरसी मुखालिफ मौजूदा लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की तश्वीश। मुतनाज़ा कवानीन एनआरसी और सीए के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स का एहतजाज, इज्तिमाई तौर पर पड़ी गई दस्तूर की तमहीद। महाराष्ट्र के शहर पुसद में मुल्क को बांटने वालों के मुंह पर लगाया गया तमाचा, हिंदू मुस्लिम और दीगर मजाहब के अफराद ने मुतनाज़ा कवानीन पर निकाली मिसाली रैली। म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए सियासी पार्टियों की बढ़ी सरगर्मियां, टीआरएस भवन में ए और बी फॉर्म की तकसीम, देर से आने पर केसीआर ने मिनिस्टर्स की लगाई क्लास। तेलंगाना पुलिस मुतहर्रिक और मुअस्सर, पुलिस अवार्ड तकरीब से वजीर दाखला का ऐलान। और एप्लीकेशन दर्पण ने फिर एक गमगीन चेहरे पर लाई मुस्कान, 8 महीनों से लापता माजूर लड़के की वालदैन से हुई जज्बाती मुलाकात। और अब खबरों की तफसील। मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए मुतनाज़ा खवानीन सीए और एनआरसी की मुखालिफत में भारत के गोशे गोशे से एहतजाज की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा है कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और मुल्क में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी वाजह किया है कि वो शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए से मुंसलिक अर्जियों की समाअत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक इस सिलसिले में मुल्क भर में जारी तशद्दुद रुक नहीं जाता। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने यह तबसरा उस वक्त किया जब वकील पुनीत कुमार ढंडा ने सीएए को आईनी करार देने के ताल्लुक से अपनी अर्जी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। जस्टिस बोबड़े, जस्टिस बी आर गोवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अर्जी में किए गए मुतालबे पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर कानून अपने आप में आईनी ही माना जाता है, इसको आईनी करार देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता कोर्ट का काम उसकी आईनी जवाजियत को परखना है। जस्टिस बोबड़े ने मिस्टर ढंडा से कहा कि आप एक वक्त कानून के तालबेल्म रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। पहली बार मैं इस तरह की दरख्वास्त सुन रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को कानून की आईनी जवाजियत परखना होता है, ना कि इसे आईनी करार देना होता है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मुल्क भर में अमन अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह की अर्जियों से मसले का हल नहीं हो सकता। मिस्टर ढंडा ने सीएए की हिमायत में अर्जी दायर की है और उन सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने का मुतालबा किया है जिन्होंने बदअमनी फैलाने में किरदार अदा किया है। अर्जीगुजार ने सीएए को आईनी करार देने का भी अदालत से मुतालबा किया। वाज़े रहे कि सीएए की आईनी जवाजियत को चैलेंज करने वाली 60 अर्जियां अदालत में दायर हुई हैं, जिन पर गुज़िश्ता बरस 18 दिसंबर को अदालत ने मरकज को नोटिस जारी किया था। इस माह के तीसरे हफ्ते में इन अर्जियों पर समाअत होनी है। मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए मुतनाज़ा कवानीन एनआरसी और सीएए के खिलाफ पूरा मुल्क मुजस्म एहतजाज बन गया है। ऐसे में तेलंगाना हाई कोर्ट में सीए और एनआरसी के खिलाफ वकला ने भी आवाज़ बुलंद करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस एहतजाज में खातून वकला की कसी तदाद मौजूद थी। एहतजाजी वकला ने जहां मरकजी हुकूमत से इस मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया, वहीं इस मौके पर सभी ने दस्तूर की तमहीद पढ़कर दस्तूर की हिफाजत के तहत अपनी कोशिश जाहिर की। Yeah.
having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nation in our constituent assembly सीए और एनआरसी जैसे खवानीन के जरिए मुल्क को बांटने की कोशिश करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है महाराष्ट्र के शहर पुसद की आवाम ने। इन मुतनाज़ा खवानीन के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा की कॉल पर हिंदू मुस्लिम और दीगर मजाहब के हज़ारों लोगों ने जहां एकता का सबूत देते हुए इस सीए और एनआरसी के खिलाफ पुसद शहर में मिसाली रैली शहर के शिवाजी चौक से एसडीओ ऑफिस तक निकाली गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम और दीगर मजाहब के नौजवान बूढ़े बच्चे और ख्वातीन ने कसी तादाद में शिरकत की। रैली के अख्तिताम पर एसडीओ को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। इस एहतजाज में ख्वातीन ने कसी तादाद में शिरकत करते हुए जहां अपनी मौजूदगी जाहिर की, वहीं ये भी जाहिर कर दिया कि मुल्क की ख्वातीन की बड़ी तादाद इन मुतनाज़ा ख़वानीन के ख़िलाफ़ हैं। आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर में जामिया में, अलीगढ़ में, जेएनयू में, जिन जिन मकामात पर स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हुए, स्टूडेंट कम्युनिटी ने उसको कंडेम किया। आज के इस प्रोटेस्ट में वो भी एक भाग देखने को मिला। एक बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों का जमा होना और बहुजन मुक्ति मोर्चा की तरफ से, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से और दीगर सोशल एनजीओ की तरफ से ये प्रोटेस्ट बहुत ही कामयाब रहा। हम गवर्नमेंट से जो है ब्रुटैलिटी ऑफ एबीवीपी अगेंस्ट जेएनयू, जामिया एंड एवीयू, इसको कंडेम करते हैं। गवर्नमेंट को हम इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि गवर्नमेंट इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करे और CAA NRC को ख़त्म करे इस देश के अंदर। ये मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के अरबिक डिपार्टमेंट के हेड मौलाना अली मशरफ जैसी से PBN चैनल के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अमजद अली ने CAA और NRC से मुतालिक खास बातचीत की, आइए देखते हैं। बुनियादी तौर पर इसके बारे में हमारे तासुरात वही हैं जो मुल्क के बेशुमार शहरियों के हैं, जो ये समझ रहे हैं कि ये कानून मुल्क को तोड़ने वाला है, ये कानून जो है बेशुमार लोगों को परेशानियों में डालने वाला है, ये कानून जो है हिंदुस्तान की जो दस्तूर है, हिंदुस्तान का जो आईन है, उसकी रूह के मुनाफी है, उसकी तबीयत और उसके मिजाज के खिलाफ वर्जी है। दरअसल बुनियादी तौर पर इस कानून को लाने का जो बुनियादी मकसद वो है कि जो उसूली और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उससे लोगों की तवज्जो हटाकर और लोगों में एक किस्म की ज़हनी और फिक्री जो है अफरा तफरी फैलाकर जो है उनकी तवज्जो जो है उन उसूली और अहम मौजूआत से लोगों को दूर किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि ये एक नज़रियाती मामला भी है जिस पर कम बात की जाती है जी, कि दरअसल वो जो हुक्मरा पार्टी है वो एक नज़रियात रखती है, उस नज़रियात के लिए गुज़श्ता एक सदी से जो है वो काम कर रही हैं और उसी की तरफ ये पेशकदमी करना चाहते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम है कि पूरी दुनिया में इस किस्म के तजर्बात जो है वो हमेशा मुल्क और मिल्लत दोनों के लिए नुकसान दे रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर SQR इलियास ने मौजूदा मरकजी हुकूमत पर NRC NPR और शहरियत तरमीमी क़ानून के नफाज पर शदीद तनकीद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन काले खवानीन को फौरी वापस ले ले। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हकीकी मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने की साजिश कर रही है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों यूनिवर्सिटीज़ के तलबा पर जानलेवा हमला और
मारपीट की ज़ालिमाना कार्रवाई की भी शदीद मजम्मत की और मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा किया। इस दौरान पार्टी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। CAA, NRC और NPR के खिलाफ पूरे मुल्क में जो एजिटेशन चल रहा है उसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ एसोसिएटेड विद इट। तो ये किसी एक तबके तक ये चीज़ महदूद नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि मुल्क के तमाम आवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो गवर्नमेंट को इसे फिल फॉर विदड्रॉ कर लेना चाहिए कि होम मिनिस्टर को, क्योंकि दिल्ली में पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में, तो होम मिनिस्टर को फिट फॉर रिजाइन करना चाहिए। जो कुछ जामिया में हुआ और जो कुछ JNU में हुआ उसकी पूरी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर को फिर मारती है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। जो नुकसान तलबा का हुआ है, जो नुकसान लोगों का हुआ है, उसकी भरपाई के लिए इन अफसरान के खिलाफ में और हुकूमत के खिलाफ में, मिनिस्ट्री के खिलाफ में भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई योगी साहब उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। यानी इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाना चाहिए और इससे उन लोगों को कंपेंसेट किया जाना चाहिए। हमारा मुतालबा यह है कि जो लोग मारे गए उनको हर खानदान को जो है 10-10 लाख रुपए कंपेंसेशन देना चाहिए और जो जख्मी हुए उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए और जिनके लोग को। तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशंस कबूल करने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है TRS के खेमे में सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। ऐसे में रिजर्वेशन की लिस्ट का ऐलान होने से पहले ही TRS ने उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर लेने की खबर है। उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी रुकन असेंबली को सौंपी गई है। TRS भवन में जमेरात को पार्टी अरकान असेंबली और पार्टी इंचार्ज लीडरों ने CM KCR से मुलाकात की। इस दौरान बी फॉर्म और जीत की मंसूबाबंदी को लेकर बातचीत और हिदायत दी गई। तेलंगाना भवन में सुबह से ही लीडरों की एक दूसरे से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इस इजलास में कुछ मिनिस्टर्स और MLAs देर से पहुंचे, जिस पर CM KCR ने नाराज़गी भी जाहिर की और उन पर बरस भी पड़े। खबर है कि देर से आने वाले मिनिस्टर्स में इटला राजेंद्र, एरावली दयाकर राव और निरंजन रेड्डी हैं। इजलास के दौरान TRS ने म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करने वाले MLCs को ही बी फॉर्म तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने MLA और इंचार्ज को ए फॉर्म और बी फॉर्म तकसीम किए। तेलंगाना भर में बल्दी इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल जारी है। ज़िले निर्मल के भैंसा शहर में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आमिर अहमद ने वार्ड नंबर 3 से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर शेख खदीर, बासित, शफी, जाकिर आज़म, इरफान अली अब्बासी के अलावा दीगर मौजूद थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद आमिर अहमद ने अपनी उम्मीद जाहिर की कि आवाम उनको अपने वोट से नवाजेगी। उन्होंने आवाम की खिदमत करने का ये मौका मिलने पर पहले तो अल्लाह और फिर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। विकराबाद म्यूनिसिपल दफ्तर का ज़िला SP नारायणा ने अचानक दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया, जहां म्यूनिसिपल इंतखाबात के उम्मीदवार पर्चे नामजदगियां दाखिल कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर और विकराबाद DSP संजीव राव से भी मुलाकात की और यहां की मालूमात हासिल की। विकराबाद म्यूनिसिपल दफ्तर के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। ज़िला SP नारायणा ने इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि ज़िले के हर म्यूनिसिपल दफ्तर के पास पुलिस का माखूल इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा कि कल पर्चा नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख है, इसीलिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया जा रहा है। రేప్ ఫైనల్ డే ఉంటుంది, ఎక్కువ మంది క్యాండిడేట్స్ నామినేషన్ ఫైల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది, అది కూడా పార్టీ డిక్లేర్ చేసేటువంటి క్యాండిడేట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ బందోబస్తు ఇప్పుడున్నది సరిపోతుందా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా లేదన్న దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో కూడా మాట్లాడాము ఎలా ఉంటుందని చెప్తే రేపు కొంచెం ఎక్కువ నామినేషన్ ఫైల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పాడు. దాని విషయమే రేపు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ బందోబస్తు పెట్టేదానికి మేము ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ ఎలక్షన్ నేపథ్యంలో చెక్ పోస్ట్కి సంబంధించింది కానీ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ కానీ ఏమని ఈ క్యాండిడేట్స్ ఫైనలైజెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత చెక్ పోస్ట్ ఉంటున్నాయి, తర్వాత ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ తర్వాత SST అది ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అది.
تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محکمہ پولیس میں بہترین خدمات انجام دینے والے اہلکاروں کو اوارڈ دینے کے لیے رویندرا بھارتی آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے پریسیڈنٹس پولیس میڈل فار گیلنٹری، پریسیڈنٹس پولیس میڈل، انڈین پولیس میڈل کے علاوہ ریاستی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ میڈل سے پولیس اہلکاروں کو نوازا۔ اس موقع پر محمد محمود علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے بعد ہی ریاست کی ترقی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے محکمہ پولیس کو اولین ترجیح دی اور اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ فنڈز مختص کیے ہیں۔ انہوں نے ریاست میں امن و امان کو مؤثر انداز میں برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال پر تلنگانہ پولیس کی ستائش بھی کی۔ బాగా డిసిప్లిన్లో పని అవుతుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పేరు అంటే చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఇండియాలో తెలంగాణలో ఎవరు వస్తే అంటే చాలా సేఫ్ అండ్ సేఫ్టీలో ఉన్నారు. సో మా పేరంటే బాగా పెరిగింది. ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ ఇట్లా వస్తుంది అంటే డెవలప్మెంట్లో స్టేట్ డెవలప్మెంట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది. ఎంత బాగా లేనట్టు అయితే అంతా డెవలప్ అవుతుంది స్టేట్. చాలా మంచి అంటే ఇన్వెస్టర్స్ ప్రాపర్లీ సర్వే చేస్తా, ఏ స్టేట్లో పీస్ ఉంది అంటే అక్కడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తా. మా స్టేట్లో బాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా పేరు పెరిగింది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఖబర్నామే ఫిలాల్ లెంగే ఏక్ బ్రేక్, ములాఖాత్ హోగి ఇస్ ఛోటే సే బ్రేక్ కే బాద్.